आपने हम आपको बताएंगे कुछ नहीं है, केवल आपका ध्यान आकर्षित कराएंगे इस बात के लिए कि जो आप संतुष्ट हो रहे हैं सत्संग से उसमें आपका ध्यान न जाए, राम मंदिर की आशा से आप फिर उनको बैठा दें अपनी ऊपर। एक चीज और आपको बता रहे हैं जिस पर भी विचार होना है, वो ये है कि अब इनको अपने शासन को संचालित करने के लिए, क्योंकि दिनों दिन शासन का खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, MLA जो एक बार हो जाता है, MP जो एक बार हो जाता है, उसकी पेंशन हो जाती है। वहाँ नारियों को जाने से नहीं रोका जा रहा है, नारियाँ वहाँ पर जब 10 साल की रहती तो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती तो जाती हैं। उसका मूल ये है कि वो अय्यप्पा है और बड़े ब्रह्मचारी देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए ये माना जाता है कि शुद्ध होकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ भारत में नारियाँ ही ये बात मानती हैं कि जब वे रजस्वला हो जाती हैं तो उस समय पूजा पाठ नहीं करती हैं, है कि नहीं। तो अब वो वहाँ नहीं जा रही थी, आपको क्या गरज पड़ी थी वहाँ ले जाए आप? और जो हमारे धर्म को नहीं मान रही हैं, और फिर आप जो ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, जो हमारे कोर्ट के जस्टिस हैं, वो जस्टिस ईमानदारी से भी यदि जस्टिस करेंगे तो संविधान के अनुसार करेंगे। जिनके का भजन भगवान शंकर करते हैं, कागुचंडी जिनका दर्शन करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वो हमारे आराध्य का मंदिर नहीं बनेगा। राम आराध्य तब हुए जब विश्वामित्र जी का यज्ञ की रक्षा की, आराध्य तब हुए जब माता पिता की आज्ञा से बन चले गए, लौट के आदर्श राज किए। अब आप उनको एक महापुरुष मान रहे हैं। गुलबलकर जी विचार रवनीत में लिखते हैं कि राम एक मानव थे, तो मानव का तो पुतला बनता है। अरे पुतला भी बनाया तुमने, तो वो भी तो राम का अनादर ही किया है। हमारे देश में एक अच्छे नेता हो गए वल्लभ भाई पटेल, हम लोग उनका आदर करते हैं। उन्होंने एक काम किया कि जो वो रियासतें पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी उनको भारत के साथ जोड़ दिया और एक करके भारत को मिला लिया। वो उनका योगदान है। और राम का योगदान क्या है अगर उनको आदर्श माने आप? तो सब तद्वीप सागर में खला एक भूप रघुवर कौशला, सारे विश्व को जिन्होंने मिलाया था, उनका पुतला और सरदार वल्लभ भाई पुतला, जरा दोनों की तुलना करो। उनका 182 मीटर है और राम का जो बनेगा आपका जोगी, ये कहता हूँ 150 फुट ऊंचा बनाएंगे, आधे से भी कम है। तो राम की महाभोर के रूप में भी इज्जत नहीं कर रहे हो। जोगी को हम लोग सोचते थे कि ये संत महात्मा है और गोरखनाथ के संप्रदाय का नहीं है, कम से कम इसके द्वारा दो घर तक बंदी हो गया, हमने आशीर्वाद दिया और हम लोगों को क्योंकि सही होने का कारण शंकर जी की सेवन की तो रक्षा ही करेगा, लेकिन यहाँ आधार तोड़े जा रहे हैं।